नमस्कार, स्वागत है आपका खबर बिहार में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। नालंदा से खबर है जहां निर्माणाधीन ओवरब्रिज का गाटर गिरने से दो मजदूरों की मौत हो गई है। मामला बेना थाना क्षेत्र इलाके का है जहां रजौली से लेकर बख्तियारपुर तक फोरलेन सड़क निर्माण को लेकर 54 बीघा चौक के पास ओवरब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। आज 54 बीघा चौक पर बड़े क्रेन के सहारे जब ओवरब्रिज के ऊपर गाटर रखने का काम चल रहा था, इसी दौरान गाटर टूटकर अचानक नीचे गिर गया और गाटर के नीचे दबकर दो मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई है। घटना के बाद फोरलेन सड़क निर्माण में लगे सभी पदाधिकारी और मजदूर मौके से भाग खड़े हुए। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। ग्रामीणों का आरोप है कि ओवरब्रिज निर्माण के काम में कोताही बरती गई है, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। कितने लोगों की आवश्यकता है अभी तो हटने के बाद? मलबा गिर जाने से एक मजदूर या दो मजदूर का डेथ होने का आशंका है। एक तो स्पष्ट है, दूसरा पता नहीं चल पा रहा है। उसका हटाने के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या स्थिति है। अच्छा, तो यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा था सर, क्या निर्माण कार्य हो गया था? नहीं, ये निर्माण कार्य के दौरान ही हुआ है, फॉर्म बताया जा रहा था। ढालते ढालते दो बार गिरा है। अच्छा, अब अभी जो गिरले क्या वो मरले की होने से? अभी से एक वजन आ रहा है, बाकी आओ अंदर एक है दो है, क्या पता है। तो क्या लगता है, मटेरियल सही नहीं था इसमें? कोई मटेरियल है ही नहीं है वहाँ पर, 12 mm कोई मटेरियल नहीं है उसमें। इसमें घर में बनाता है, इसमें पुल में बड़ा भ्रष्टाचार है, तो बना के चला जाएगा, मरेगा तो यहाँ के लोग ना। अभी गाड़ी चढ़ेगा इस पर तो क्या होगा? अरे यार, फोन कॉल कर रहा है, बता ना। टूटने का मेन कारण ही है अनबैलेंसिंग होना, ये अलग चीज है, लेकिन आप इसको मटेरियल को अभी आप देख सकते हैं। तो कितना मजदूर दबा है इसके अंदर? फिलहाल एक झलक रहा है। और क्या बने दो कहा जा रहा है। यहाँ दिक्कत हुआ कि पुल चढ़ाने में अभी टूट रहा है, बाद में भविष्य में क्या होगा नहीं होगा ये तो आगे जाके और खतरा होगा। अभी तो दो आदमी मरा है, इसको बढ़िया से जांच कर लिया जाए।